अब सुने क्रिश्चियन आइडोलेट्री को उसने क्या एक्सप्लेन किया, सुभान अल्लाह, गौर से सुने। ये उसकी कोटेशन है जो हाई प्रीस्ट शैतान का, वो ये बोल रहा है, उसकी ये पॉइंट उसने कहा, द चर्च हैज बीन यूज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू बिलीव इन वन कॉन्सेप्ट, और वो क्या है, उसने कहा द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन एवर ब्रॉट ऑन ह्यूमन फैमिली, दैट इज व्हाट डीमन स्पिरिट्स, ये कोटेशन है उसकी, डीमन स्पिरिट्स शयातीन डिफाइल क्रिश्चियन चर्चेस, उन्होंने जो चर्च है कलीसाओं को, क्रिश्चियंस की कलीसाओं को तबाह कर दिया थ्रू द एवेन्यू ऑफ नेक्रोमेंसी। सुभान अल्लाह, जीसस क्राइस्ट की इबादत करो, कौन है वो, डेड डाइड एंड लिविंग गॉड, मर के जी उठे, स्पिरिचुअलाइज्ड स्पिरिट की इबादत। मैरी मैग्डलिना फौत हो गई, रोमन कैथोलिक उनकी स्पिरिट की इबादत। नेक्रोमेंसी कहते हैं कि टू वर्शिप डेड एंटिटीज, टू डेड पीपल। सुभान अल्लाह, यही तो इस्लाम कह रहा है इनको 14 सदियों से, कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना तुमने उनको कत्ल किया ना उनको मारा, बल्कि तुम्हें ऐसा लगा। हम तो मानते नहीं हजरत ईसा फौत है, लेकिन तुम तो मानते हो ना, शैतान की डिसेप्शन में आए ना, वो फौत हो गए और फिर उनके मरने के बाद उनकी वर्शिप शुरू कर दी, उनसे मदद मांगी, हेल मैरी और जीसस, जीसस के नाम से आप मदद मांगते हो, यही वो उसने बोला है, उस बंदे ने बोला है कि चर्चिस की ये जो शैतान ने शुरू से इनके बीच में नेक्रोमेंसी डाल दी कि इबादत ही करो किसकी, जो लोग मर गए, हम तो मानते नहीं हजरत ईसा फौत हो गए, बात खत्म होगी, और ये आपको पता करते हैं। अच्छा, फिर उसने इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई, संडे, उसने कहा संडे जो चर्च, उसने कहा तो फिर प्रीस्ट, वो शैतीन, शयातीन जो प्रीस्ट के साथ जो हुक करता है ना, उसने बोला उसको, रॉजर को, कि एज द डे आर पासिंग, जब से डेज पास हो रहे हैं, यार यौमुल सब्त जब आपको पता है यहूदी मनाते थे, कहते डीमन स्पिरिट हमारे शयातीन ने आर गोइंग टू इंप्रेस पीपल विद द इंपॉर्टेंस ऑफ संडे सेक्रेटनेस, कहता फ्रॉम उस दिन से लेके अब तक हम लोगों के दिलों में ये बात डाल रहे हैं कि संडे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और होली डे है, संडे इज द फर्स्ट डे, संडे संडे, चर्च भी संडे को जाओ, आज मुल्कों में भी संडे फर्स्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसने ये बात बोली कि संडे जो है वो मेरा दिन है, शैतान का संडे, सूरज की इबादत से ये फलसफे जन्म लिए, सबसे पहले खुदा बनाया गया सूरज को, शैतान ने बनवाया, तो उसने अपना दिन ही संडे बना दिया, ये संडे जो वर्ड आ रहा है, या इस डे के दिन जो सूरज से उसने कोई अपने आप को अल्लाह खुदा से उसने कोवेनेंट ले लिया कि भाई मेहरे के दिन है, मेरा दिन संडे है, ये वो बातें बता रहा है, तो उसने संडे को चुन लिया और संडे जो है वो बना दिया गया। तभी आप देखें इस्लाम में फ्राइडे है और यहूदियों में सैटरडे, तो संडे सिर्फ क्रिश्चियनिटी में, वो भी ग्रीक फलसफों से आया, क्योंकि ग्रीक्स जो है वो आपको पता है शैतान के सबसे करीब, मैनी गॉड्स को फॉलो करने वाले पॉलीथियस्ट मुशरिक तीन लोग हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो संडे उसने कहा अब पूरी दुनिया में संडे जो है मिनिस्टर्स के स्कूल्स के लिए हर दिन के लिए इंपॉर्टेंट डे संडे कर दिया जाएगा, और आने वाले वक्त में संडे को एक वर्किंग डे बना दिया जाएगा। फिर उसने कहा थ्री मेन डिविजन्स हैं डीमन स्पिरिट के अंदर, एक फ्रेंडली होती है, एक वॉरियर्स और एक ओप्रेसर्स, ये तीनों नबी पास ने फरमा दिए हमें कि कुछ लोग अच्छे हैं जिनको जन्नत, एक कुछ शयातीन होते हैं और कुछ ओप्रेसर्स होते हैं वगैरह वगैरह, उसकी डिटेल में नहीं मैं जा सकता। अब पॉइंट नंबर टू पे चलें, जनरल काउंसिल ऑफ 1700 में उसने क्या बताया, उसने कहा इसका पर्पस क्या है, जनरल काउंसिल ऑफ 1700 में जो आगाज किया शयातीन, उसका पर्पस है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन लेकर आना, लोगों को मादे से मोहब्बत करवाना। नंबर वन पॉलिसी उसने क्या बोला है, डिसीव पीपल फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ सैटन्स एंड एंजल्स, एंजल्स मतलब जिन्नात, क्योंकि हम फॉलन एंजल को मानते नहीं, तो क्रिश्चियंस को पता ही नहीं कि वो जिन्नात हैं, जिसको कुरान ने कहा कि ही वाज वन ऑफ द जिन इब्लीस। उसने कहा नंबर वन लोगों के दिलों में जो है किसका अकीदा निकाल दो कि शयातीन भी कोई चीज है और जिन्नात जो ईवल हैं, बट इबलीस और जिन्नात का अकीदा निकाल दो लोगों के दिल में, बस लोगों को बताओ यार एक फोर्सेस है, यार कुछ भी नहीं है, या हमें हम लोगों ने क्रिएशन की हुई है, ताकि बात ही खत्म हो जाए, पुट द ईवल इन द बट। नंबर टू, टू हैव अ कंट्रोल ओवर द माइंड्स ऑफ द पीपल थ्रू हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज करो लोगों को अपने तरीकों पे, और किस तरह उसने हिप्नोटाइज करने की बात की, उसने एग्जांपल दी, उसने कहा तारीख में दो बंदों को हमने चुना, फ्रांस मेस्बर्ग, वो एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन था, जिसने वो कहता है कि हमने इस बच्चे को बचपन से शैतान ने इसको कब्जे में ले लिया, और ये इसने एक चीज का आगाज किया, जहीन था, इसने एक चीज का आगाज किया एनिमल मैग्नेटिज्म, उसने एनिमल मैग्नेटिज्म को कन्वर्ट करके मेस्मरिज्म में कर दिया, मेस्मराइज,
कहता है कि ये शख्स जब इस्तेमाल किया शैतान ने अपने स्पिरिट से, तो उसने आगाज किया 1815 के बाद एनेस्थीजिया सिस्टम का, जो आज हम एनेस्थीजिया बोलते हैं, लोगों को ऑपरेट किया, सर्जरी की, बगैर हिप्नोटाइज करके उनको पेन रिमूव कर दी, एक मेडिकल न्यू एज का आगाज किया कि हम रब हैं, हम गॉड हैं, हम लोगों को बचाते हैं, कोई रब नहीं। ये आगाज मेडिकल गॉड, डॉक्टर मेरा रब है, इस टाइम मैं डॉक्टर पे ही बस ईमान रखता हूँ, मुझे तो ना दुआ में अब सुकून है ना किसी, मुझे सिर्फ दवा और दक्तोर डॉक्टर्स में यकीन है। फिर उसने बताया हमने चार्ल्स डार्विन एंड थॉमस हेनरी हक्सले, इन दोनों को अभी हमने बचपन से पकड़ के रखा ताकि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्रिएट करें और वो लोगों को ये बात बताएं। और उसने ये बात बताई कि उसने कहा कि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली पूरी फैमिली ऑफ एडम को हमने तबाह किया इससे। और उसने फिर एग्जांपल दी, उसने क्या कहा कि ये एक्सेप्टेबल करवाई जाएगी और उसकी जगह रिवॉर्ड मिलेगा उन लोगों को जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को, जो उसके टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उसके ऊपर हम खास रहमत करेंगे उनकी जिंदगियों में। ये शैतान का एक एजेंडा बता रहा हूँ। और वो स्कूल्स और मिनिस्टर्स किसी भी मुल्क के हों, किसी भी मजहब के हों, उनकी किताबों में डार्विनिज्म पढ़ाया जाएगा। क्या हमारी किताब में पढ़ाया नहीं गया? हमारे इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड में पढ़ाया गया, आज दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, ह्यूमन लेगेसी की किताबों में पढ़ाया जा रहा है, हर मुसलमान कंट्री में डार्विनिज्म पढ़ाया जा रहा है। नंबर थ्री, ग्लोरियस एज ऑफ डिसेप्शन। तीसरी चीज ग्लोरियस एज है, वो जब सेकंड स्टेप आएगा तो थर्ड स्टेप हमारे लिए आसान हो जाएगा। और ये स्टार्ट होगा 1946 से, उसने कहा। और आप देखें स्टेट ऑफ इजराइल का भाई 1948, दो साल का कोई मसला नहीं होता, 1948 ही कह रहे, 46 पे, ये तो सारे कहते हैं ना कि हाइपोथेसिस, असल तो यही आगाज 48 के एंड में स्टार्ट हो गया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। उसने क्या बोला कि हमारा सुपर डिसेप्शन ऑफ ग्लोरियस न्यू एज क्या है, उसने कहा हार्वेस्टिंग मल्टी थिंग्स फ्रॉम अर्थ, दुनिया से चीजें निकालेंगे, गोल्ड, ऑर्गेनिक स्टफ को हम बनाएंगे नॉन ऑर्गेनिक, टू ईट अनहेल्दी स्टफ, लोगों को अनहेल्दी खाने खिलाएंगे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, लोग जो है मरने के बाद नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस करेंगे जिससे उनका खुदा से यकीन दूर हो जाएगा। जैसा क्रिश्चियन है वो देखता, मैंने जीत अपनी फैमिली को देखा, रब नजर नहीं आया, यसु मसीह नजर नहीं आया, जीसस, या कोई कहता मुझे जीसस नजर, वो मुसलमान कहता है मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आया, या कोई भी पर्सनालिटी या अपनी फैमिली का कोई बंदा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को कुछ नजर आया किसी को, तो हर बंदा कंफ्यूज है किसका मजहब सच्चा है। ये भी शैतान लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसिस करवाएगा। ट्रांसमीडियम की एक इलम का आगाज होगा कि जो बंदा एक चैनलर बना देगा, एक शैतान के चेले से डायरेक्ट बात किया करेगा, डीमन से स्पीक करेगा और लोगों से मशवरे लेगा और मिनट्स लेगा। ट्रांसमीडियम का आगाज होगा, एक इलम दे दिया जाएगा। विल क्रिएट द रीजंस टू डिस्ट्रॉय अर्थ, और अर्थ को तबाह किया जाएगा, ऐसे असबाब क्रिएट जाएंगे, न्यूक्लियर है, फलानी वॉर है, उससे दुनिया तबाह होगी टेक्नोलॉजी एज से। संडे विल बी ऑनर्ड एज एन ऑफिशियल डे ऑनवर्ड्स। ये तमाम बातें हैं बड़ी नटशेल तरीके से मैंने बताई आपको, ताकि बात जो है ज्यादा कहानियों में ना जाए, ये बातें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको एक और लेक्चर दज्जाल के आई ओपनर दूंगा, जो आगाज जो इंटरनेट का हुआ है, और उस बंदे ने जो दज्जाल को अपने ख्वाब में देखा और उसने कहा, उसका नाम भी उसने दज्जाल करके बोला कि DAGAL करके डैजल था, और उसने मुझे बताया कि ऐसे इंटरनेट तुम्हें दुनिया में आगाज करोगे और हम तुम्हें उसमें हेल्प करेंगे। ये सारी बातें देखें, आप दो ही तरीके, या तो आप इनको रिजेक्ट कर दें या आप इनको एक्सेप्ट कर लें। और एक्सेप्ट जब आप करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, ये वाकईतन ये बातें महसूस होती हैं कि जो नेक्रोमेंसी, देखें नेक्रोमेंसी क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा बेरा, मतलब आगाज है जिससे क्रिश्चियनिटी तबाह हो गई, कि मरे हुए बंदे को पुकारना, कि जीसस क्राइस्ट मर गए तो उसको पुकारा, पहली बात है वो मरे नहीं, उनको को मार के क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियंस को शैतान ने कहा कि अब उनकी इबादत करो, मेरी मैं इबादत करो, ये मुसलमानों में भी आ रहा है, मरो को पूजो। तो ये सारी चीजें शैतान का है ताकि क्रिश्चियनिटी तबाह हो जाए। जो तौहीद पे थी, कलीसा हो सिनागोग हो, अल्लाह कहते हैं सब अल्लाह की जगह है, लेकिन चर्च में ये क्रिश्चियनिटी के अंदर तौहीद से उठा के तसलीस एंटर किया और चर्च की क्रिश्चियनिटी को तबाह कर दिया। बहरहाल ये एक बात थी, अल्लाह पाक हम लोग के दज्जाल के फितने से आगाह करे। मैं कुछ किताबें आपको मेंशन करता हूँ, जरूर पढ़ें, फ्री मिशनरी बुक है उसके बारे में पढ़ें, और इल्यूमिनाटी की बुक से पढ़ें, और उसके अंदर हर चीज़ पर यकीन ना करें, उसको पढ़ें कुरान और हदीस के चश्मे से। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।